वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पार्ट टू न्यू टॉपिक रस्टिंग ऑफ आयरन लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग तो फिर से रस्टिंग पे आ जाओ दिस इज वन चेंजेस दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डेस्ट्रोईज देम तो कोई भी आयरन आर्टिकल्स हो उसके ऊपर कोई चेंजेस आते अफेक्ट आते हैं उसके बाद वो स्लोली स्लोली क्या हो जाता है डेस्टोर हो जाता है सिंस आयरन इज यूज इन मेकिंग ब्रिज शिप्स कार्स टॉक्स बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज यूज तो आयरन आयरन का यूज कहाँ से होता क्या कहाँ होता है और उसमें से क्या बनता है ब्रिजेस बनते हैं शिप्स बनते हैं कार्स ट्रक बॉडीज एंड मैनील उसमें से बनते है और जो भी रस्टिंग होता है तो काफी सारा मॉडरी तो जब भी आयरन का रस्टिंग होता है तो मॉडिटरी लॉस तो होता ही है द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन ट फॉलोइंग इक्वेशन के ट्रो तो उसके हम प्रोसेस देखेंगे आयरन यानी एफी प्लस ऑक्सीजन यानी ओ टू प्लस वाटर यानी एच टू ओ तो कौन से क्या होगा रस्ट यानी क्या मिलेगा एफी टू ओ थ्री एफ आयरन का ऑक्सीजन ओ टू प्लस वाटर एट टू ओ तो आप क्या यानी एफ ई टू ओ थ्री आयरन ऑक्साइड ओके फॉर रस्टिंग द प्रीस ऑफ बोट ऑक्सीजन एंड वाटर इज इसटियल जब रस्टिंग होता है तब क्या ऑक्सीजन एंड वाटर क्या होता है वह इसटियल होते हैं इन फैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इज एयर इज हाई विच मीन्स इट इज मोर उमिड रस्टिंग बिकम फस्टर जब भी एयर जो होती है उसमें मोइस्चर हाई होता है तब उसका मींस क्या होता है के अंदर मॉइस्चर हाई होता है तो रस्टिंग प्रोसेस क्या हो जाएगी फास्टर हो जाएगी सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग रस्टिंग को कैसे रोका जाता है प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोट तो आयरन का जो भी आर्टिकल्स हो वो किसके ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में और बुर्थ के कॉन्टैक्ट में हैं वैसे भी उसको उसका प्रिवेंट हो सकता है उसको रोका जाता है वन सिंपल वे इज टू अप्लाई द कोट ऑफ पेंट और ग्रीस तो वन सिंपल वे है क्या अप्लाई करना है के उसके ऊपर क्या करना है आयरन के ऊपर कोट करना है पेंट और ग्रीस का इन फैक्ट ड्रिस्क कोर्स शुड बी अप्प्लाई रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग तो ये जो कोट है वो आपको रेगुलरली करना पड़ेगा तो ही रस्टिंग से आप उसको रोक पाओगे उसका प्रिवेंट कर पाओगे अनदर वे इज टू डिपोजिट द लेयर ऑफ द मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन तो आयरन के ऊपर क्या करना है क्रोमियम और जिंक का लेयर उसके ऊपर जमा करना है दिस प्रोसेस ऑफ डिपोसिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑफ आयरन इज कॉल्ड गैलवेनाइजेशन तो आयरन के ऊपर वो झिंक का जो लेयर हम जमा करते हैं डिपोसिंग करते हैं तो उसको क्या है? कहते हैं पूरी प्रोसेस ऑफ गेलवेनाइजेशन कहते हैं न आयरन पाइप वी यूज इन अवर होम्स टू कैरी वाटर आई गेलवेनाइज टू प्रिवेंट ट्रस्टिंग तो हमारे घर के अंदर जो भी होम्स के अंदर जो भी वाटर जहाँ से आता है उसके वो पाइप किसकी होती है आयरन की ही होती है तो उसके ऊपर क्या होता है उसके ऊपर गैलोनाइज की होता है क्योंकि इसलिए तो क्या हो सके रस्टिंग प्रिवेंट रस्टिंग हो हो सके यानी रस्टिंग को हम रोका जा सके यू तो नो डेट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड द पार्ट ऑफ डैम डिमेज अंडर वाटर तो शिव किससे बनते हैं आयरन से ही बनते हैं और उसका जो पार्ट होता है वो पानी में ही तो होता है सिर का अंडर द अबाउट वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू दीप आउटर सरफेस तो उसकी जो आउटर सरफेस होती है वो तो पूरी उसके पूरी जो होती है आउटर सरफेस वो तो पूरी पानी के अंदर ही डूबी रहती है और उसके संपर्क में ही होती है ड्रॉप्स के जो संपर्क में ही होते वाटर ड्रॉप्स के जो संपर्क में ही होती है मोर ओवल दॉटर ऑफ द सी कंटेंट मैनी सोल्ट तो जब सी का वाटर होता है उसमें ज्यादातर किसका सोल्ट का होता है द सल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस फॉर्मेशन फास्टर तो जब सॉल्ट वाटर होता है वो रस फॉर्मेशन क्या करता है पूरी प्रोसेस को फास्टर करता है यानी जल्दी से क्या लग जाता है आयरन के ऊपर रस्टिंग लग जाता है डेयरपोर अट सफर लॉट ऑफ डेमेज फॉर द रस्टिंग इन द स्पाइट ऑफ बींग पेंटेड तो उसके ऊपर पेंटिंग करने के बाद भी क्या होता है काफी सारे काफी सारे क्या हो जाता है उसका जो आयरन का जो पार्ट होता है शिप के अंदर तो काफ़ी सारे वो रस्टिंग हो जाता है उसका पेंट करने के बाद भी काफ़ी सारे जो आयरन के पार्ट है वो भी रस्टिंग हो जाते हैं

यू हैव लर्न द सोल्व कैन बी ऑप्टेन बाई द ई वेपोरेशन ऑफ द सी वॉटर तो सी वॉटर के थ्रू ही ई क्या होता है ई वेपरेशन होता है तो so, क्या मिलता है सोल्व मिलता है जो सी का वॉटर होता है वह पूरा क्या हो जाता है ई वेपोरेशन हो जाता है यानी उसका बाष्पी पता है तो हमको क्या मिलता है सोल्व मिलता है द सोल्व ऑप्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर तो हमको जो भी सॉल्व मिलता है वो प्योर नहीं होता यानी सूट नहीं होता द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली तो क्रिस्टल का जो शेप होता है वो हम क्लियरली सीन नहीं कर सकते हाउ एवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ द प्योर सब्सन कैन बी फ्रॉम From from their solution, तो हमको जो भी लाल क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉल्यूशन वो किसमें से मिलते हैं सॉल्यूशन से भी हो वो हमको प्राप्त होते हैं द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन तो इन इसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज तो ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है एक्टिवेटी सिक्स पॉइंट नाइन टेक अ कप फुलटर इन द बीकर एंड एट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिलू सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको बीकर के अंदर पानी लेना है और उसके अंदर क्या ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स डिल्यूस सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स उसके अंदर ऐड करने हैं। हीट द वॉटर अब पानी को गर्म करना है वैन इट स्टार्ट बॉइलिंग एट कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइप स्टीरिंग कंटिन्यूसली तो गर्म करने में क्या करना है आपको वेन स्टार्ट बॉइलिंग जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए तो उसके अंदर क्या ऐड करना है कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली स्लोली उसके अंदर ऐड करने ही है कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसोल्व जहां तक वो पाउडर डिसोल्व नहीं हो जाए तो वहां तक क्या करना है उसको डिसोल्व करना है तो वहां तक आपको कंटिन्यूसली क्या करना है कॉपर सल्फेट पाउडर है उसके अंदर एडिंग करते ही रहना है उसके अंदर डालते ही रहना है फिल्टर प्लस सोल्यूशन उसके बाद क्या करना है सोल्यूशन का फिल्टर करना है अलाउ इट इज कूल उसके बाद उसको सोल्यूशन को क्या करना है कूल cool करना है डू नॉट डिस्टर्ब द दोल्यूशन वेन इट इज कूलिंग तो जब वो कूलिंग हो रहा है सोल्यूशन तब उसको कोई भी सोल्यूशन को, कोई भी तरह का डिस्टर्ब करना नहीं है लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम तो थोड़े टाइम के बाद आपको क्या करना है सोल्यूशन को देखना है कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ द कोपर सल्फेट क्या कोपर सल्फेट के अंदर आपको क्रिस्टल दिखाई देते हैं इफ नॉट वेट फॉर द सम मोर टाइम्स तो नहीं दिखाई देते क्या करना है आपको थोड़ा वेट करना है मोर टाइम वेट करना है ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर सिक्स पॉइंट सिक्स क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट ये जो है वो क्या है पूरा बिकर है बिकर के अंदर क्या है कॉपर सल्फेट है उसके अंदर क्या है आपको क्या दिखाई देता है एक चलो के अंदर इसको क्या है क्रिस्टल है तो इधर तरीके अंदर क्रिस्टल कैसे देखे? वो भी इधर दिया है तो ऐसे वो क्रिस्टल दिखाई देता है तो कैसे दिखाई देता है इधर ओके यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस डेट यू ऑब्जर्व अराउंड यू हैव फिजिकल केमिकल चेंजेस तो इस चैप्टर में हमने क्या लर्न किया फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस लर्न एंड टूडेंट ट्राई टू आइडेंटिफाई काफी सारे चेंजेस हमारे अराउंड भी होते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस उसको भी हमको क्या करना है ऑब्जर्व करना है एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट classify the changes involved in the following processes as physical or chemical changes आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं उसको क्या करना है क्लासीफाई करना है उसको अलग करना है ए फोटोसिंथेसिस बी डिसोल्विंग सुगर इन वॉटर सी बर्निंग ऑफ कोयल डी मेल्टिंग ऑफ वैक्स ई beating aluminium टू टेक aluminium foil एप डाइजेशन ऑफ फूड अब इसमें से ये सब सारी प्रोसेस दी गई है तो इसमें से कौन सा फिजिकल चेंजेस है और कौन सा केमिकल चेंजेस है वो हमको क्लासीफाई करना है तब हम देखते हैं पहले फिजिकल चेंजेस हम देखेंगे तो बी डिसोल्विंग शुगर इन वाटर वही फिजिकल चेंजेस में आएगा डी मेल्टिंग ऑफ वैक्स वो भी फिजिकल चेंजेस में आएगा ई e, बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम पॉइल तो ये भी फिजिकल चेंजेस में ही आएगा उसके बाद केमिकल चेंजेस तो उसमें क्या आएगा ए फोटोसेंसेसिस वो केमिकल चेंजेस में आएगा सी बर्निंग ऑफ कॉल वो भी केमिकल चेंजेस में आएगा एंड एफ डाइजेशन ऑफ फूड तो वो भी केमिकल चेंजेस में ही आएगा तो हम दोनों देख लिए फिजिकल चेंजेस भी देख लिए एंड केमिकल चेंजेस भी देख लिए टू स्टेट वेटेड फॉलोइंग स्टेटमेंट आर टू और फॉल्स आपको टू फॉल्स देखने का है ए कटिंग अ लॉक ऑफ फूड इनटू टू द पीसीस इज अ केमिकल चेंजेस क्या आएगा फॉल्स बी फॉर्मेशन ऑफ मेन्युअर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंजेस क्या आएगा फॉल्स सी आयरन पाइप कोटेड विथ जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इसीलि तो हमने चैप्टर में सीख ही लिया है? True है. D, तो क्या है ट्रू है डी आयरन एंड रस्ट एट द सेम सब्सटेंस आयरन एंड रस्ट से तो क्या आएगा फॉल्स ई कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंजेस तो ये क्या है स्टेटमेंट सही है तो क्या आएगा ट्रू क्वेश्चन थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको फिलिंग द ब्लैंक्स देखने की है ए व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पासेड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ तो क्या आएगा आपका आंसर कैल्शियम कार्बोनेट यानी सी ए थ्री ओके बी केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज क्या आएगा आंसर में सोडियम बाई कार्बोनेट यानी एन ए एच सी ओ थ्री सी टू मेथड्स बाई वी ट्रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर ब्लैंक एंड ब्लैंक तो कौन सी दो मैथड है पहले क्या करना है क्या होता है ग्रेसिंग तो इसका प्रिवेंट कर सकते हैं दूसरी, दूसरी कौन सी है गैलवे दोनों मेथड है डी चेंजेस इन विच ओनली ब्लैंक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस में कौन सी प्रॉपर्टी ओनली चेंज होती है तो उसके आंसर में क्या आएगा फिजिकल ई Changes in which new substance are formed are called blank changes to scanson make chemical uh, Question 4 When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of gas. What type of change is it? Explain. अब उसका आंसर देखते हैं दिस इज अ केमिकल चेंज एज अ न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म तो केमिकल का चेंजेस होता है तो क्या मिलता है न्यू फॉर्म ऑफ न्यू प्रोडक्ट हमको मिलता है तो बेकिंग सोडा प्लस लेमन जूस तो क्या होगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेन एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेस तो एसिड का किसका रिएक्ट होता है कार्बो carbon, कार्बोनेस के साथ सोल्ट इज फॉर्म रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर सोल्ट फॉर्म में मिलता है और रिलीजिंग क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर रिलीजिंग होता है क्या मिलता है सोल्ट इसमें हमको मिलता है तो हमने देख ही लिया कि कौन से कैसे प्रोसेस होती है क्वेश्चन फाइव वेन अ कैंडल्स बर्न वोट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस आइडेंटिफाई दिस चेंजेस गिव अनर द एग्जाम्पल ऑफ फैमिली पोस्टर्स इन विच वोट द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस तब हम देखेंगे फिजिकल चेंजेस ऑन हीटिंग कैंडल वैक्स गेट मेल्टेड इज द फिजिकल चेंजेस जब उसको हीटिंग करते हैं तो क्या होता है कैंडल वैक्स जो होता है वो मेल्टेड जो हो जाता है तो क्या है वो वो वन टाइप ऑफ फिजिकल चेंजेस है सिंस इट अगेन टर्नस इन टू द सॉलिड वैक्स ऑन कूलिंग तो क्या उसका टर्न में फिर से उसको कूलिंग करेंगे तो क्या वो फिर से सॉलिड वैक्स में उसका टर्न हो जाएगा अब केमिकल चेंजेस द वैक्स नियर टू फ्लेम बर्न एंड गिव सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनसोड वेपर, हीट एंड लाइट। तो उसको, के क्या दे? देते तो जब के रखते हैं हैं उसको क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है कार्बन सूट मिलता है वाटर वेपर मिलता है हीट एंड लाइट मिलती है कुकिंग ऑफ फूड इज एग्जांपल वेट बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर्स ओके

तो उनका डिफर्स इन टेस्ट उसका टेस्ट डिफर्स लगता है तो ओडिनेस में क्या है फैट्स एंड प्रोटीन से मिल्क ऑल्सो द चेंजेस इन इन रिवर्सेबल तो वो कौन सा चेंजेस है वो इन रिवर्सेबल है यानी कर नॉट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू द मिल्क सेवन Explain why burning of wood and cutting it into the small pieces are considered as two different types of changes. Answer Burning of wood is a chemical changes because wood on burning converted to a new substance like as carbon, carbon dioxide gas, water vapor, heat and light. The changes in irreversible. The जब हम वुड को बर्निंग करते हैं तो वो क्या है वन टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस ही है बिकॉज क्योंकि वुड को जब बर्निंग करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है उनको क्या मिलता है कन्वर्ट होकर न्यू सब्सटेंस मिलता है न्यू प्रोडक्ट मिलता है तो कौन से कौन से होते हैं वो एस यानी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर वेपर हीट एंड लाइट हमको कन्वर्टेड में न्यू सब्सटेंस मिलते है द चेंज इज इन रिवर्सेबल तो वो इन रिवर्सेबल चेंजेस है वाइल कटिंग ऑफ वुड इन अ स्मॉलर पीसेस इज अ फिजिकल चेंज तो हम वुड का जो भी कटिंग करते हैं स्मॉलर पीसेस में तो वो क्या है वन वो फिजिकल चेंजेस है बिकॉज द ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ वुड डस दो चेंजेस तो ओरिजिनल वुड वोड़ का जो ओरिजिनल कंपोजिशन होता है वो चेंजेस नहीं होता है नो न्यूज सप्शन आर फोन तो हमको न्यूज सप्शन के हमको मिलेंगे नहीं हमको कोई नया प्रोडक्ट वहाँ पर मिलेगा नहीं क्वेश्चन एट डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेड उसका टेक अ वाटर इन अ बीकर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्डू सल्फ्यूरिक एसिड आपको एक बीकर में पानी लेना है और पानी के अंदर आपको क्या ऐड करना है लीलू सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स उसके अंदर ऐड करना है हीट द वाटर, वाटर को हीट करना है व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग स्टॉप क्या करना है अब बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देना है एयर कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली विथ कंटिन्यूस स्टरिंग तो उसके अंदर स्लोली स्लोली हमको क्या डालते रहना है कॉपर सल्फेट पाउडर उसके अंदर कंटिन्यूसली डालते रहना है कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल सेचुएशन लेवल तो जहाँ तक वहाँ तक आपको सेचुएसन लेवल या पाउडर का नहीं हो जाए वहाँ तक आपको कंटिन्यूसली कॉपर सल्फेट पाउडर एड करना है फिल्टर द सोल्यूशन एंड लेव फॉर कूलिंग तो उसके बाद क्या करना है सोल्यूशन का फिल्टर करना है उसके बाद उसको क्या करना है कूलिंग करना है लिव अनडिस्टर्ब दॉल्यूशन वेन इट इज कूलिंग तो जब कूलिंग होता है तो आपको जो सॉल्यूशन होता है उनका डिस्टर्ब दे उसको क्या करना है छोड़ देना है उसके अंदर कोई भी डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए वी कैन ऑब्जर्व द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर फ्यू आवर्स तो थोड़े आवर्स के बाद आपको कॉपर सल्फेट में क्या दिखाई देंगे क्रिस्टल आपको दिखाई देंगे

कोट करने से क्या होता है तो कोई भी कोट अपने पिन पेंट करते हैं तो वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द आयरन किससे एयर के ऑक्सीजन के थ्रू उसका क्या कर सकते उसका प्रिवेंट कर सकते हैं तो ऐसे उसको क्या करते हैं रस्टिंग रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं उसको रस्टिंग को रोका जाता है तो उसके ऊपर क्या चढ़ाएंगे पेंटिंग करेंगे उसके ऊपर कोट चढ़ाएंगे कोट का कोट जमा करेंगे स्केप पर पेंटिंग करेंगे तो आप वन टाइप ऑफ प्रिवेंट ही हुआ क्वेश्चन टेन एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट ऑफ देर इन कोस्टल एरियाज़ देन इन एरिया आंसर फॉर रस्टिंग द प्रीस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड मोइस्चर इज रिक्वायर जब रस्टिंग होता है तो उसके अंदर बहुत ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर वहां पर रिक्वायर होते ही है इन कोस्टल एरियाज द क्वान्टिटी ऑफ मोइस्टर कंटेन इन एयर इज हाई एज कम्पेयर टू द डिजर्ट रीजन तो आप कोस्टल एरिया में जाओ तो वहाँ पे के एयरकेट्रू मोइस्चर की जो क्वान्टिटी होती है वो हायर होती है एस कम्पेयर टू डिजर्ट रीजन से वहाँ एयरकेट्रू जो मोइस्चर होता है वो वहाँ क्वान्टिटी उसकी हाई रहती है तो वहाँ क्योंकि वहाँ हाईली ह्यूमिड होता है सो द रस्टिंग बिकम फस्टर इन द कोस्टल एरिया इसीलिए कोस्टल एरिया में रस्टिंग फस्टर होता है रस्टिंग के प्रोसेस कोस्टल एरिया में फस्टर होती है क्योंकि हवा में जो मोस्चर होता है वो ज्यादा होता है हाई होता है तो so रस्टिंग भी फस्टर ही होगी क्वेश्चन इलेवन द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एल इन द सिलेंडर इट एक्सिट एज अ लिक्विड वैन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स अ गैस चेंज ए देन इट बंस चेंज बी द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटें टू डिस टेंट चूज द करेक्ट वन आपका कौन सा करेक्ट वो हमको देखने का है फर्स्ट प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंजेस प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंजेस थर्ड वोट प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस हो नॉन ऑप डिस प्रोसेस इज अ केमिकल चेंजेस तो क्या आएगा सिंपल ए आंसर में क्या आएगा ऑप्शन बी प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंजेस क्वेश्चन ट्वेल्व एनेरबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस चेंज ए द बायोगैस इज द बर्न एज फुल चेंज बी द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन टू दिस चेंजेस चूज द करेक्ट वन भी आपको कौन सा सही है वो हमको लिखना है फर्स्ट प्रोसेस ए इज द केमिकल चेंजेस सेकंड प्रोसेस बी इज केमिकल चेंज थर्ड वो प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस फोर्थ नॉन ऑफ केमिकल चेंजेस तो क्या आएगा ये भी सिंपल है सोचो थोड़ा आंसर में थर्ड वोट प्रोसेस ए एन बी आर केमिकल चेंजेस दोनों ही केमिकल ही चेंजेस ही है प्रोसेस ए एंड बी दोनों केमिकल चेंजेस ही है वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो